टोटल कितनी डिशें हैं? 90 के करीब नाइन्टी है के करीब जी, एक ही जगह पे, जी एक छत पे। बिल्कुल जी जी बिल्कुल एक ही जगह। सीख कबाब है जी, ये हमारा देसी, ये टर्किश कबाब आ गया जी, कई मलाई बोटी। जैसे बिहारियों का इलाका हो और बिहारी ना हो तो ज़रा मज़ा नहीं आता। ये हो गई बीफ बिहारी, ये इतने प्यार से निकाल निकाल के रख रहे हैं, देखें एक एक बोटी। ओह ये तो बिल्कुल 100-150 की तो सिर्फ क्रीम डाल दी काशी भाई ने। सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राशिद हसन, मेरे साथ हैं तासराज। नाज़रीन इस वक्त हम मौजूद हैं कराची की बहुत ही गुंजान आबादी है, और पुरानी आबादी भी, बहुत पुरानी आबादी है। और उस गुंजान आबादी में जो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त खूबसूरत सा जो है रेस्टोरेंट बना हुआ है, कहाँ भी बताएंगे इसकी तफसीलात। ये रेस्टोरेंट औरंगी टाउन में मौजूद है, औरंगी टाउन 11.5 में। अच्छा, ख़ास बात यहाँ पे इसकी है कि रूफ टॉप पे रेस्टोरेंट है। अमूमन इन इलाकों में या ऐसे रेस्टोरेंट नहीं होते, मगर अच्छा एक नया ट्रेंड चला है कराची के अंदर के एक रूफ टॉप पे जो है ना लोगों ने इस तरह के रेस्टोरेंट बनाने शुरू कर दिए, और इसका नाम है जी दी वाइट बिस्ट्रो कैफ़े। तो इसके बारे में चलते हैं, मालूमात लेते हैं, आपको बताते भी हैं कि यहाँ पर क्या क्या खाने के आइटम हैं। हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि सीन ऑन है। ये रेस्टोरेंट है जी यहाँ पर, ठीक है जी। ये पूरा सेटअप है, यहाँ बैक साइड पे देखें ये फैमिलीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए है, ये थोड़ा सा ओपन है। ये वाला जो एरिया है यहाँ पर मर्द हजरात के लिए अलग से एक सेटअप बनाया हुआ है। ये रिसेप्शन है यहाँ का, यहाँ चलते हैं देखते हैं, मालूम देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से जी? ठीक हैं, बताइए जी आपका माशाल्लाह बड़ा, एक तो नाम बड़ा ज़बरदस्त है, दी वाइट ब्रिस्टो, इंग्लिश नाम रखा है आपने माशाल्लाह। तो थोड़ा सा बताइए अपने रेस्टोरेंट के बारे में। 8 months हो गए हैं इसको, ठीक है, 8 महीने हो गए जी माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि आपकी स्पेशलिटी क्या है? हमारे पास बहुत सारी स्पेशल चीज़ें हैं, लाइक कढ़ाई भी है, फैमिली प्लेटर, बारबेक्यू प्लेटर, डिवाइड स्पेशल प्लेटर, उसके बाद हांडी, मटका हांडी, ये सारी चीज़ें हमारे पास बहुत स्पेशल हैं और लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। सबसे ज़्यादा चलने वाला रनिंग आइटम कौन सा है? बारबेक्यू प्लेटर। बारबेक्यू प्लेटर जी जी। तो हम भी फिर बारबेक्यू प्लेटर ही ट्राई करने वाले हैं फिर। चलें ठीक है, अच्छी बात है फिर तो। चलें बारबेक्यू प्लेटर तैयार करेंगे। अच्छा टोटल कितनी डिशें हैं? 90 के करीब के करीब जी जी, एक ही जगह पे जी बिल्कुल जी जी बिल्कुल एक ही जगह पे सब पे। सारे कौन 90 खाने तुम खा भी नहीं सकते भाई, कोई एक आधी खा सकेंगे फिर? तो 90 इन्होंने दिया है माशाल्लाह, और वो सारी रेंज मौजूद है, यानी कि बारबेक्यू, फास्ट फूड जी, बारबेक्यू भी है हमारे पास, चाइनीज भी है हमारे पास, और फास्ट फूड भी है, और डिफरेंट चीज़ें लाइक जो आजकल कराची में और बाकी जिस जगह पे हम हैं औरंगी टाउन में, बिरयानी बहुत स्पेशल होती है तो हर कोई बिरयानी की डिमांड करता है, तो हमने बिरयानी भी रख ली है, मटका बिरयानी। अच्छा ऑनलाइन भी है आपका? जी ऑनलाइन भी हम जो है वर्किंग कर रहे हैं, ऑनलाइन डिलीवरीज भी अवेलेबल हैं यहाँ पर, जिसको कह सकते हैं कि होम डिलीवरी मौजूद जी है। बिल्कुल होम डिलीवरी अवेलेबल है। उसका नंबर वगैरह? जी बिल्कुल है, नंबर 03258970917। बहुत शुक्रिया, जजाकल्लाह। अच्छा जी ये सेटअप लग रहा है जी हमारा बारबेक्यू प्लेटर का, ये भी वेजिटेबल्स आ गई हैं साइड ओ पे सबसे पहले। ओहो ये हो गई गार्निशिंग्स। ये क्या है? सीख कबाब। सीख कबाब है जी, ये हमारा देसी, और ये आ गया टर्किश कबाब। ये टर्किश कबाब आ गया जी बराबर में ही। अभी आ गई जी मलाई बोटी, ये आ गई मलाई बोटी।
अब क्या आ रहा है जनाब? ये बीफ बिहारी चिकन बिहारी, चिकन बिहारी बोटी है जी। जैसे बिहारियों का इलाका हो और बिहारी ना हो तो ज़रा मज़ा नहीं आता। ये हो गई बीफ बिहारी। ये इतने प्यार से निकाल निकाल के रख रहे हैं, देखें एक एक बोटी। ये मोहब्बत है आप देखें। और ये आखिर में आ जाएगा जनाब चिकन टिक्का बिहारी, बिहारी टिक्का है जी, बिहारी चिकन टिक्का है जी। ये बारबेक्यू प्लेटर तैयार हो गया जी। ये टमाटर का फूल आपने देखा होगा ना, कभी बने हुए देखा नहीं होगा, था भाई आपने? टमाटर खीरा और हरी प्याज मिलके ना, ये देखने का है भाई, खाने का नहीं है था भाई। खा भी सकते हैं, वैसे खाने की चीज़ है। और ये फ्रेश क्रीम आ गई जी। ओह ये तो बिल्कुल 100-150 की तो सिर्फ क्रीम डाल दी काशी भाई ने। अब ये क्या है काशी भाई जी? ये है ओरिगैनो। ओरिगैनो, वाह भाई, ये तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि ऊपर से डाला जा रहा है। और इसका जायका कैसा बनेगा चेक करते हैं ओरिगैनो के साथ। ये आ गई जी चटनी, ग्रीन चटनी है जी। ये फाइनली जी हमारे आ गए हैं चपाती, और फिर ये आ गए जी पराठे। वाओ ये पूरा प्लेटर हो गया फाइनल रोटी के साथ। अभी ये साइड में इन्होंने चिप्स भी रख दी हैं, फ्रेंच फ्राइज। ओह ये इसलिए रखे हैं उड़ ना जाए ना, हवा तेज चल रही है। अच्छा सही सही सही। ये क्या आ गया जी? सॉस है, जबरदस्त सीक्रेट सॉस है भाई ये। ठीक है जी, ये हो गया रेडी। तो जनाबे वाला बारबेक्यू प्लेटर आ गया है डिवाइड्स का। अच्छा डिवाइड की तफसील तो आपको बता दी गई है कि ये कहाँ पर है और किस जगह पे है, किस तरह की इनकी कौन कौन से खाने हैं इनके पास। अच्छा हमने जो चूज़ किया था वो ये बारबेक्यू प्लेटर है, वो बड़ा तफसील से आपको हमने बता दिया है कि इसमें कौन कौन से आइटम मौजूद हैं, और बहुत ही मज़ा आने वाला है खाने में। और मेरा तो दिल जो है ना ललचा रहा है कि मेरे सामने जो है माशाल्लाह, वैसे भी हम लोग जो है ना वो नॉन वेज हैं, सही है, और ज़्यादातर पाकिस्तानी ऐसे ही होते हैं। तो मैं ज़रा ट्राई करता हूँ ये सबसे पहले टर्किश जो है ना वो ज़रा, ये थोड़ा सा मेरा फेवरेट है, इसको मैं ट्राई करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम निवाले के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सीलेंट टर्किश का जो जायका है ना बहुत ही ज़बरदस्त है, इंतहाई सॉफ्ट है, और मुँह में रखने के बाद ऐसा है जैसे घुल गया हो ना, इसी तरह की इसकी जो है ना रेसिपी जो इन्होंने बनाई है वो ऐसी है। और आप देखें ना इसके सुरताल नज़र आएगी आपको, ये कितना सॉफ्ट है देख रहे हैं ये। तो जायका भी बहुत अच्छा है, मतलब हल्की सी इसके अंदर जो जायका आ रहा है वो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, हल्की सी खटास और
फिर जो चिकन का और जो मसालों का जायका रहा है ना, वो बहुत ही अलग किस्म का रहा है, ज़बरदस्त। बिहारी भी ट्राई कर लेते हैं क्योंकि हम बिहारियों के इलाके में हैं और बिहारियों के इलाके में बिहारी निकाय, तो बहुत ही अजीब सी बात होगी। थोड़ा सा मैं ये चपाती के साथ ट्राई कर रहा हूँ बिहारी। अच्छा, ये बीफ बिहारी है और माशाल्लाह काफ़ी जो है ना सॉफ्ट ये लग रहा है, नज़र आ रहा होगा आपको, काफ़ी सॉफ्ट है। इसको मैं ट्राई करता हूँ बिहारी को। ज़बरदस्त ऑथेंटिक बिहारी जायका है जनाब। डी वाइट का बारबेक्यू प्लेटर हम लोगों के सामने मौजूद है। ऐसे प्लेटर आप लोगों ने देखे होंगे अमूमन जो चल रहे हैं या आप कह रहे हैं कि आम हुए हैं आजकल, वो राइस के साथ हैं। यहाँ की ख़ास बात ये कि प्लेटर बारबेक्यू मौजूद है मगर पराठे और पूरी के साथ, चपाती के साथ। अच्छा, मुख्तलिफ आइटम इन्होंने दिए, मेरे ख्याल से कोई 6-4-5 किस्म के जो इनके बारबेक्यू के आइटम हैं। ये अपना जो रिवायती पाकिस्तानी कबाब है, ये आपके आप कह लेंगे बैरून मुल्क भी जायका आपको मिलेगा। टर्किश कबाब राशिद भाई ने बता दिया है, जायका चक्के, मलाई बूटी और ये चिकन बिहारी। ये अपना औरंगियों की और बिहारी की ख़ास पहचान, बिहारी बूटी और ये बिहारी टिक्का। जनाब मैं ट्राई करूँगा सबसे पहले बिहारी टिक्के से ही, लेग पीस मौजूद हैं। अभी रोटी वोटी कुछ नहीं लगा रहा, वो बिल्कुल मलाई हुआ है भाई। ये भी ज़बरदस्त मसाला भी बड़ा लग रहा है ज़बरदस्त। मैं भी कोई चटनी वटनी नहीं लगा रहा और ऐसे ट्राई कर रहा हूँ। आला चटपटा मसाला जो है अंदर तक घुला हुआ है, ये सूरत आप देखें, और खाने में जो है ना बहुत मज़ा आ रहा है, सॉफ्ट है बिल्कुल, चटपटा भी है और मसालेदार भी है, मज़ा आ रहा है भाई, वाह। अच्छा जी, अब दूसरा आइटम है ये आपका कबाब की सूरत भी देख लें आप, फुल गोला कबाब। इसको भी मैं बगैर किसी रोटी वोटी के ट्राई कर रहा हूँ, इसमें बन रही है। मज़ेदार है मगर एक थोड़ा सा और, मेरे ख्याल है थोड़े से और सॉफ्ट होने चाहिए थे क्योंकि इन कबाबों में अगर सॉफ्टनेस ना हो तो मज़ा नहीं आता, मगर मसाले के एतबार से अच्छा जाएगा। चटपटे हैं ये भी और एक अच्छी वाइब दे रहे हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, एक बहुत ही ज़बरदस्त बात हो गई जी, ये मटका चाय भी है यहाँ पे, ठीक है जी। वो लड़के जो मटका चाय पीने के शौकीन है वो यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कि मटका चाय ही अलाव है पीने, बाकी चीज़ें जो है ना वो अलाव नहीं है यहाँ पे। तो बेहतरीन A1 है जनाब, कराची वालों के लिए हाजिर है मटका चाय। कराची वाले हों और चाय हो और इनकार हो जाए, नामुमकिन सी बात है। अच्छा, राशिद भाई ने बोला कि भाई सर लड़के आ सकते हैं मगर फैमिलीज भी आ सकती हैं, इंजॉय कर सकती हैं चाय से भी। सिप लेके देखता हूँ, अच्छी चाय है, मज़ेदार। कैसा लगा खाना आपको? भाई ज़बरदस्त खाना था और सारी चीज़ें मेरे ख्याल से बारबेक्यू प्लेटर में जो भी अमूमन होता है कि एक आध चीज़ हल्की फुल्की होती है मगर सारी चीज़ें अच्छी थी इसमें, मतलब ऑथेंटिक जो है ना वो बारबेक्यू था। और उमूमन जो कराची के जो लोग खाते हैं जिस तरह का उनका टेस्ट है उसी टेस्ट के लिहाज से जो है ना बना हुआ था, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। ख़ासकर जो मुझे लगा था भाई टर्किश कबाब बहुत अच्छा था इनका, कबाब अच्छे थे। और मुझे तो खैर बिहारी बूटी ज़्यादा पसंद आई, बिहारी बूटी ज़्यादा। आप तो बिहारी लवर हैं, बिहारी तो नहीं आप कहीं? बिहारी नहीं। अच्छा, तो भाई ज़बरदस्त खाना हो गया और मज़ा आ गया। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, कमेंट्स करना ना भूलें, हमारे इंस्टाग्राम के अकाउंट को भी फॉलो करें। मुलाकात होगी किसी नई जगह पर किसी नई व्लॉग पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।